तो अडानी एंटरप्राइज में यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है दैट इज़ अ बुलिश पैटर्न, एंड यहाँ पर मैं चेक करवाता हूँ, इस टाइप का आपको यहाँ पर पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है, इस टाइप का। एंड यहाँ पर जो है अगर सपोर्ट ले लेता है तो यहाँ से एक ब्रेकआउट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बट ये चीज़ फेल भी हो जाएगी अगर इस लेवल के नीचे निकलता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली लेवल्स के साथ चीज़ों को डिस्कस करते हैं, कहाँ पर मैं बाई करने वाला हूँ एग्जैक्टली। स्टार्ट करते हैं वीडियो को विद अ स्मॉल डिस्क्लेमर, जो भी बता रहा हूँ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। अब देखो यहाँ पे क्लियरली एक चीज़ है, यहाँ पर जो है इसका यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन था, रेजिस्टेंस जोन को इसने क्रॉस किया, दोबारा उसका सपोर्ट यहाँ पे ले रहा है। अभी अगर सपोर्ट लेके सक्सेसफुली ऊपर को निकल जाता है तो यस देयर इज अ हाई चांस कि यहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। बट अगर ये इस लेवल्स के नीचे निकलने की कोशिश करता है, यहाँ पे 950 के नीचे जो है काफ़ी वी के शेयर होने वाला है, तो जिसने भी अगर शॉर्ट टर्म आइटम के लिए खरीद रखा है ऑलरेडी, यहाँ लेकर रखा है या यहाँ लेकर रखा है, 950 के आसपास अपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो बाई कहाँ करना है एग्जैक्टली उसको डिस्कस करते हैं। लेवल इज अबव दिस रेजिस्टेंस, ठीक है, 2350, 2350 के ऊपर जैसे ये शेयर निकलेगा पर्सनली मैं इंटरेस्टेड हूँ इसको बाई करने में। एंड बस ये है कि स्टॉप लॉस वगैरह स्ट्रिक्ट हम लोग रखेंगे, बट ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 2350 को अबव बाई कैसे करना है, ऐसा नहीं कि बस ऐसे गया और यहाँ पर बाई कर लेना। 15 मिनट की एटलीस्ट दो कैंडल क्लोज होनी चाहिए 2350 पे, ठीक है। 2350 के ऊपर दो कैंडल अगर 15 मिनट की क्लोज हो जाती है तो वहाँ पर जो है आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस भी बता देता हूँ, बट एक क्विक अपडेट, फटाफट जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो विजु स्टॉक मार्केट, एक मस्त सा चैनल आपके सामने आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। जो भी शेयर खरीदता हूँ यहाँ पे क्लियरली बताता हूँ, जैसे केपीआई लिया था, अब देख लो यहाँ पे केपीआई में हम लोग कितना परसेंट बना के बैठ चुके हैं, ठीक है, 730%, 5000 रुपये लगा के 35,000 के यहाँ पर हम मालिक बन चुके हैं। तो इस टाइप की चीज़ें आपको फ्री में मिल रही है, फटाफट जाओ चैनल को सर्च करो ज्वाइन लेना, अभी फ्री है चैनल, बाद में फिर जाएगा तो फिर मेरे को मत बोलना ज्वाइन नहीं कर पाए। तो वापस आते हैं अपने चार्ट पे, एंड यहाँ पे जैसे मैं डिस्कस कर रहा 2350 को अब हम बाई करेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा हमारा मैक्सिमम 2000 का, ठीक है, 350 रुपये का स्टॉप लॉस अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इसको बाई कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। टारगेट्स क्या रह सकते हैं, टारगेट हमारे आराम से यहाँ पे जो है 2500 तक के हमें पहला टारगेट यहाँ पे मिल सकता है, एंड अगर सक्सेसफुली वो क्रॉस हो जाता है तो यहाँ पे हमें जो है अगले टारगेट दैट इज 3070 के आसपास, 3000 तक के जो हमें अगले टारगेट भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बट ये है पूरा शॉर्ट टर्म का व्यू, यहाँ पर जो है प्लीज़ लॉन्ग टर्म के लिए या फिर ऐसा कुछ प्लान मत आउट करिएगा, ठीक है। ये मेरा व्यू है यहाँ पर डायमंड प्राइस को लेके, मेरा सेटअप है, अगर पसंद आता आपको आप भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल रुकते हैं रुपये, तब तक बाय, होस्ट दोस्त ऑनलाइन वाली विशाल सुशील, चलो बाय।